हेलो स्टूडेंट, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आवर टुडे टॉपिक इज पॉलीनोमियल फॉर नाइन्थ क्लास। पॉली पॉली मीन्स मेनी, जैसे आप लोग पॉलीगॉन पढ़ते हो उसी तरह से पॉलीनोमियल, पॉलीगॉन में मेनी साइड से बना होता है, यहां पर मेनी टर्म्स होंगे। पॉलीनोमियल्स में टर्म्स जो होंगे मेनी टर्म्स होंगे। सिक्स क्लास में आप लिटरल नंबर पढ़ते थे, लिटरल नंबर मीन्स वेरिएबल, जिसको आप डोनेट करते हैं, अननोन नंबर को ए बी सी डी ऐसे एक्स वाई जेड तक किसी नंबर से डोनेट करते थे, उसको बदले थे लिटरल नंबर और वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म ऑल रियल नंबर, रियल नंबर आप जैसे रूट थ्री, माइनस में, प्लस में, डेसिमल में, रिपीटिंग डेसिमल में, ऑल आर रियल नंबर, कांस्टेंट टर्म। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, इसमें देखिए एक्स नहीं आएगा, जैसे 3 इंटू 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, x इसमें नहीं रहेगा तब तक इसको हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, जैसे ही इसमें x इंक्लूड कर देते हैं यही हो जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे 3x प्लस 2, रूट एक्स प्लस 5, एक्स बाई 2 या 2 बाई एक्स, ये सब है अलजेब्रिक। x जहां पर आ गया हो, इसका डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन था कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल नंबर एंड कॉन्स्टेंट या रियल नंबर विथ फंडामेंटल साइन। पॉलीनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों देखिए, ऑल पॉलीनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल में क्या खास है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट एन, ये होल नंबर हो सकते हैं, जीरो हो सकता है, 1, 2, 3 ऐसे। तो इसका एग्जांपल्स के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि इसमें से कौन, देखिए इसमें से कह रहा है कि सेलेक्ट कीजिए कौन पॉलीनोमियल है और कौन पॉलीनोमियल नहीं है। जैसे 2 है तो 2 यहां पर x का पावर 0 तो ये पॉलीनोमियल है, ये 4 बाई एक्स हो गया तो इसको हम लिखेंगे 4 और x टू द पावर इंटू में, यदि ये रिवर्स होगा तो इंटू में x का पावर -1 हो जाएगा तो ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। उसी तरह से ये पॉलीनोमियल होगा क्योंकि इसमें देख x का पावर जो है होल नंबर है, यहां पर ये जो है x का पावर 1 है तो ये पॉलीनोमियल होगा, ये अपॉन में आ गया तो ये पॉलीनोमियल नहीं होगा, ये जो है आपका इनवर्स है माइनस पावर है तो ये पॉलीनोमियल नहीं होगा, ये रूट में है तो ये पॉलीनोमियल नहीं होगा, ये y है 1 है तो यस होगा। यहां पर देखिए ये तो है बट तो ये पूरे में आपको देखना होगा, -3 है तो ये पॉलीनोमियल नहीं होगा, यहां पर 2 है तो यस होगा, 1 है तो यस होगा, यहां पर रूट एक्स आ गया तो रूट एक्स आ गया तो ये नहीं होगा, यहां पर एक्स स्क्वायर है तो ये यस होगा। तो पॉलीनोमियल कौन हुआ कौन नहीं है ये समझ आ गया। पॉलीनोमियल के लिए एक्स का पावर जो होना चाहिए फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब देखिए कोफिशियंट, कोफिशियंट आप लोग पढ़ते थे, कोफिशियंट क्या होता था जी, तो जैसे ये 3x है, रियल नंबर बाय विच टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलीनोमियल इज मल्टीप्लाई, जैसे x में किससे मल्टीप्लाई है 3 से तो 3 कोफिशियंट है, माइनस एक्स है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई है तो -1 × x, -1 यहां कोफिशियंट है, एक्स बाय 3 किससे मल्टीप्लाई है 1/3, ये रूट एक्स तो रूट थ्री एक्स तो रूट थ्री आपका क्या है कोफिशियंट है, एक्स है तो इसमें 1 × x, 1 जो है आपका कोफिशियंट है। अब मैंने यहां पर ये किया है कि टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, तो दो बेसिस बनाते हैं, वो एक बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कितने उसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे एक टर्म्स है तो मोनोमियल, मोनो मीन्स 1 होता है, दो टर्म्स है तो बाइनोमियल, बाई मीन्स 2 होता है, ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3 होता है, लेकिन 3 अनलाइक टर्म होना चाहिए, इसमें यह जरूरी है कि अनलाइक, जैसे मान लो यहां 3x प्लस 4x होगा तो वो बाइनोमियल नहीं कहलाएगा, तो 3 अनलाइक टर्म, 2 अनलाइक टर्म, क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल में 4 अनलाइक टर्म होने चाहिए, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री में फर्स्ट है लिनियर, सेकंड क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, 5 के लिए क्विंटिक वर्ड आता है। देखिए यहां पर
इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू, कंडीशन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म बचेगा। ये उसी तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन रहेगा। अब देखिए यहां पर कितने टर्म्स हो सकते हैं, लीनियर में मैक्सिमम दो टर्म्स, क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम थ्री टर्म्स, यानी कि जितना पावर है उससे एक टर्म ज्यादा होता है। अब जो है ये कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, तो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल ऑल रियल नंबर आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल, जितने भी हैं फोर थ्री रूट में हो ऑल रियल नंबर आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है जी, तो जीरो सिंपल जो है आपका वर्ड ये नंबर उसी को हम जीरो पोलिनोमियल, जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। अब देखिए डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल क्या होगा, तो डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल जो है तो थ्री एक्स टू द पावर जीरो, इसी का वैल्यू वन होता है, थ्री को हम एक्स लगाए दिए तो एक्स का पावर यहां क्या है जीरो है, यानी कि डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है जी, तो जीरो होता है। अब थोड़ा सा बुक से आप लोग इसमें अंडरलाइन करेंगे, अपने बुक में भी अंडरलाइन करेंगे जो मैंने किया है। देखिए यहां पर ये समझा रहा है कि इनफैक्ट 2-5 UTC आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल, द कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। ये आपका समझाया हुआ है कि रूट में है तो इनवर्स में है तो ये नहीं होगा, माइनस वन हो गया, तो इस बुक्स को भी पढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहां पर मीनिंग समझाया हुआ है, बाई मीन्स टू, अभी जो मैंने आपको बताया, मोनो मीन्स वन, ट्राई मीन्स थ्री, ये सब आप बुक्स पढ़ेंगे तो समझ आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे यहां पर y लिया है, x भी ले सकते हैं y भी ले सकते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। यहां पर क्या बताया था कि a जीरो नहीं होना चाहिए, a जीरो हो जाएगा तो फिर ये स्क्वायर वाला टर्म नहीं रहेगा। अब देखिए यहां पर उसी तरह से क्यूबिक का लिया, ये यहां समझना है कि जीर, अभी मैंने बताया कि कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है जी, तो जीरो होता है। अब कह रहा है कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। देखिए यहां पर एक जनरल लिखा है, ये जनरल एक्सप्रेशन दिया है, अब इसमें कह रहा है कि सबको जीरो, जितने भी कोफिशियंट है उसको इक्वल टू जीरो ले लें, तो ये सारे क्या हो जाएगा, टर्म जो है पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। यहां पर ये पोलिनोमियल के डेफिनेशन में क्या था कि फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट का कोफिशियंट है मैक्सिमम वाला वो जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर सब जीरो यदि हो जाए, तो जीरो हो जाए तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तब कह रहा है कि ये तो जीरो से डिनोट हुआ तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो ये नॉट डिफाइन, ये डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं, तो ये सब पॉइंट याद करने की है। अब जो है नेक्स्ट आपका टॉपिक है जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। देखिए यहां पर आप वैल्यू रखते हैं, जैसे पी एक्स का मतलब क्या हुआ, पोलिनोमियल इन एक्स, ये यदि y में रहता है तो पी वाई लिखते हो, p के बदले क्यू आर एक्स कुछ भी ले सकते हैं। अब जो है इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये तो समझ आ गया कि x के जगह उसका वैल्यू रख देंगे, लेकिन जीरो कब कहलाएगा, तो देखिए यहां पर कह रहा है कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इज ए नंबर c सच दैट पी सी इक्वल टू जीरो, यानी कि x के जगह ऐसा नंबर रखे सी मतलब रियल नंबर, जिससे कि पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए। अब यही जो है उसका जीरो देगा, इक्वल टू जीरो। एक दो एग्जांपल आप देखिए कैसे, जैसे ये एक्स प्लस टू तो यहां पर क्या रखते, तो माइनस टू, तो माइनस टू इसका जीरो हो गया। यहां पर और एक समझनी है, कह रहा है कि ये कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल फाइव है, ये फाइव क्या कभी जीरो हो सकता है, तो नो,
तो कह रहा है कि नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल हैज नो जीरो, लेकिन जीरो पोलिनोमियल का कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। नेक्स्ट में है ये वर्कशीट है, वर्कशीट आप लोग करेंगे तब समझ आएगा। लीनियर ये पॉइंट भी आप लोग पढ़ेंगे बुक का। कह रहा है कि अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल नॉट टू बी जीरो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीरो होगा, उसका कुछ भी रियल ऑल रियल नंबर होगा। जीरो में भी जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो जो है पोलिनोमियल का जीरो हो सकता है। एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, और लीनियर है तो एक ही जीरो आएगा, और पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, लेकिन क्वाड्रेटिक क्यूबिक ये सब है तो एक से अधिक आएगा। थैंक यू।